नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। गाजियाबाद में ओयो होटल का संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओयो से जुड़ी शिकायतें लोनी प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में कार्यवाही की गई है। लोनी के प्रेम नगर, इंद्रापुरी, जवाहर नगर, बलराम नगर में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ ओयो होटल में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान होटल में कई जोड़े मिले हैं। होटल में पकड़े गए जोड़ों को छोड़ दिया है, जिसके बाद एसडीएम लोनी शुभांगी शुक्ला ने कई ओयो होटल को सील कर दिया है। ओयो होटल को सील करने के बाद होटल मालिकों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। बाइक शिवांगी शुक्ला, एसडीएम। मैडम, आज आपके द्वारा लोनी में कार्रवाई की गई है, ओयो रूम होटल जो होते हैं उनके ऊपर किस तरीके की आपने कार्रवाई की और कितने होटल पर आपने कार्रवाई की है? ये लगभग 9-10 होटल हम लोगों को ऐसे मिले जहाँ पे सराय एक्ट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मांगा तो वो पेपर वर्क अपना नहीं दिखा पाए, फायर डिपार्टमेंट से एलओसी कमर्शियल कनेक्शन है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें इन लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी इनके मानक पूरे नहीं थे। इस आधार पर ये कार्रवाई की गई और उन लोगों को सीख दिया। मैडम, ये शिकायत पे कार्रवाई की गई है या प्रशासन की अपनी कार्रवाई थी? ये स्वतः संज्ञान भी लिया गया था और कुछ हम लोगों को जानकारियाँ ऐसी काफ़ी दिनों से मिल भी रही थी, उस आधार पे ये कार्रवाई हुई।